किसान आंदोलन के चलते रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पंजाब आने वाली तमाम मालगाड़ियों को रद्द कर रखा है। इन मालगाड़ियों के रद्द होने की वजह से पंजाब में कई जरूरी सामान की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बन गया है पंजाब पर ब्लैक आउट होने का। दरअसल पंजाब के थर्मल प्लांटों को कोयले की सप्लाई दूसरे राज्यों से होती है और कोयला लेकर मालगाड़ियां ही पंजाब पहुंचती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मालगाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। हालांकि किसान संगठन ये कह चुके हैं कि वो रेलवे ट्रैक पर तभी प्रदर्शन करेंगे जब यात्री गाड़ियों को वहां से गुजारा जाएगा, जबकि मालगाड़ियों को चलने से नहीं रोका जाएगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से कहा है कि अगर वो मालगाड़ियों और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा की गारंटी लेती है तभी मालगाड़ियों को पंजाब के लिए रवाना किया जाएगा। पंजाब और केंद्र सरकार की इस लड़ाई में अब पंजाब पर ब्लैक आउट होने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि बठिंडा का तलवंडी साबो पंजाब का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है और यहाँ से 2000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। पटियाला के नाभा का एक और बड़ा थर्मल प्लांट 1400 मेगावाट की बिजली तैयार करता है, जबकि 3 छोटे और थर्मल प्लांट हैं जो कि पंजाब में बिजली की कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन कोयले की लगातार सप्लाई नहीं होने की वजह से अब इन तमाम थर्मल प्लांट के पास 1 से 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। इसी वजह से आने वाले दिनों में पंजाब में पावर कट बढ़ जाएंगे और साथ ही राज्य पर ब्लैक आउट का संकट भी मंडरा रहा है। 2 बड़े थर्मल प्लांट बंद हो चुके हैं और 3 छोटे थर्मल प्लांट के पास सिर्फ 1 या 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। विनीत कपूर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विनीत, पंजाब में सबसे बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, ब्लैक आउट का संकट, क्योंकि जिस तरीके से मालगाड़ियां बंद हैं उसका एक असर ये भी है कि कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है, थर्मल प्लांट भी बंद होने की कगार पर हैं, सरकार इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 1 महीने से जो मालगाड़ियों की आवाजाही है वो अवरुद्ध है। हालांकि पिछले दिनों किसानों ने जरूर इतनी राहत देने का काम किया था कि मालगाड़ियों को जाने की छूट दे दी गई थी, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई किसानों के द्वारा, मालगाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसके बाद रेलवे का असर ऐसा नजर आया कि मालगाड़ियों की आवाजाही जो है वो तब तक अवरुद्ध की जाएगी जब तक पंजाब सरकार जो है वो आश्वासन देती नजर नहीं आती। और इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी गई, केवल मालगाड़ियां नहीं बल्कि यात्री ट्रेनों को लेकर भी पंजाब की कैप्टन सरकार आश्वासन दे कि यात्री ट्रेनों की आवाजाही भी पंजाब में शुरू होगी और उसकी सुरक्षा जो है वो कैप्टन सरकार सुनिश्चित करेगी। तो इसके बाद ये पूरा का पूरा मसला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो यहाँ पर लगातार सरकार के नुमाइंदे कहते नजर आ रहे हैं कि कोयले की कमी हो चुकी है, कोयले की कमी की वजह से जो थर्मल प्लांट है वो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त पंजाब में खपत के अनुसार जो बिजली है उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से ब्लैकआउट का खतरा जो है मंडराने लगा है। लेकिन अभी भी पंजाब को नेशनल ग्रिड से लगातार बिजली जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि पन बिजली है उसके माध्यम से लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने का काम जो है PSPL करता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में कुछ इसी तरह का प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इमरजेंसी के समय में जो कोयला रखा होता है उसका इस्तेमाल फिलहाल जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सिचुएशन जल्द सॉर्ट आउट नहीं होती तो फिर बत्ती गुल का चांस जो है वो पंजाब में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और विनीत, साफ तौर पर ये भी बात है कि सरकारें यही वादा करती हैं कि वो आम जनता के लिए काम कर रही हैं, लेकिन पंजाब में साफ तौर पर यही देखने को मिल रहा है कि चाहे राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की, वो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि दोनों की वजह से ही साफ तौर पर जनता परेशान हो रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि अगर पंजाब सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले तो वो मालगाड़ियों की सप्लाई मतलब कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार साफ तौर पर केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराई है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून की वजह से किसान जो है प्रदर्शन पर है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं केंद्रीय खेती बाड़ी कानूनों के चलते पंजाब सरकार और जो केंद्र सरकार है वो जरूर आमने सामने आती नजर आ रही है। दोनों में टकराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार पंजाब की कैप्टन सरकार कहती नजर आ रही है कि पंजाब के साथ भेदभाव का व्यवहार केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किया जाता है, चाहे वो हम GST की बात करें, चाहे हम जो SC स्कॉलरशिप के मसले की बात करें, चाहे बॉर्डर स्टेट होने का फायदा भी पंजाब को मिलता नजर नहीं आ रहा। और अब जिस तरह से ये कंडीशन लगा दी गई यात्री ट्रेनों को भी सुरक्षित ढंग से चलाने की
आश्वासन जो है वो पंजाब सरकार केंद्र को देती नजर आए। तो ऐसे में टकराव की स्थिति जरूर है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कैप्टन सरकार इस तरह का प्रयास जरूर कर रही है कि किसानों को रजामंद करने की कोशिश करें कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पर बैठकर, अब उसका नुकसान पंजाब को ही होता नजर आ रहा है। और विनीत बात तो ये भी है ना कि सरकार किस चीज का वेट कर रही है, क्या सच में जब पंजाब में ब्लैकआउट हो जाएगा तब कोई सरकार कदम उठाएगी? सरकार की तरफ से लगातार किसानों से बातचीत की जा रही है। कल भी जो सरकार की तरफ से मंत्रियों की तालमेल कमेटी बनाई गई है उसकी तरफ से उग्राहा किसान जत्थेबंदी के साथ एक बड़ी बैठक की गई है। इसमें हल निकालने की कोशिश की गई है कि किसानों को रेलवे ट्रैक से हटाया जाए, जो मालगाड़ियां हैं उनकी आवाजाही जो है उसको चालू किया जाए। लेकिन अभी भी किसान एक ही बात पर अड़ी है कि जब तक केंद्रीय कानून रद्द नहीं होते तब तक वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही कैप्टन सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके जो केंद्रीय कानून को रद्द करने की बात की गई हो, लेकिन अभी भी उन विधेयकों पर ना तो राज्यपाल की तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं ना ही राष्ट्रपति की तरफ से हस्ताक्षर किए गए, और जब तक इन दोनों व्यक्तियों के उन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो केंद्रीय कानून जो है वो पंजाब में रद्द होते नजर नहीं आएंगे। और विनीत ये भी बात है, बिल्कुल विनीत बात तो ये भी है कि पंजाब सरकार जब शुरुआत हुई थी इस किसान आंदोलन के, किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था, तब साफ तौर पर पंजाब सरकार खुद उनके प्रदर्शन को समर्थन करती हुई नजर आई थी। अगर पंजाब सरकार तभी कोई सॉल्यूशन निकाल देती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए पंजाब की कैप्टन सरकार की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो जरूर किसानों के साथ वो खड़ी होती नजर आ रही है, किसानों के हक की बात करती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शनों को भी समर्थन दिया था। लेकिन आज सिचुएशन जो है वो और ज्यादा नाजुक होती जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन पर बरकरार है, आंदोलन वापस लेने का मंशा किसानों की नहीं है। दूसरी तरफ लगातार पंजाब में अब जरूरत के सामान की भी किल्लत होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, ये बात तो साफ है कि एक बड़ा संकट जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।